हरे कृष्णा राधे राधे। पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरे कान्हा कि मैं तुझे याद करूं और तेरे दर्शन हो जाए। है ना, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब हम कृष्ण को प्यार करते हैं तो याद रखो वो हमें हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपने सुना ही होगा भक्त के वश में है भगवान। अच्छा एक बात बताऊं, हम आम लोग जिसे भगवान का चमत्कार कहते हैं, ज्ञानी उसे प्रभु और भक्त का साक्षात्कार कहते हैं, भक्त उसे प्रभु का प्रेम कहते हैं, और भक्त की श्रेणी में तो बहुत ही कम आ पाते हैं। है ना, हम जैसे जो गृहस्थी में फंसे पापी हैं बस उनसे प्रेरणा ही ले पाते हैं। और आज इस वीडियो में आपको श्री राधा रमन लाल जी की कृपा का एक साक्षात प्रमाण बताती हूं। अच्छा पूरी दुनिया में श्री राधा रमन लाल जी का शिव विग्रह ही ऐसा है जो आम लोगों को अपना अनुभव करवाता है। वो नन्हे बालक के समान नटखट लीला करते हैं जो कैमरे में भी कैद हो जाती है। श्री राधा रमन लाल जी के शिव विग्रह में आप उनकी दांतुली देख सकते हो, मतलब दांतों को। कभी फोटो में एक दांत भी नहीं दिखेगा, कभी एक दांत दिखेगा, कभी दो दिखेंगे, और कभी तो पूरी दांतुली पूरी साफ दिखती है, मतलब बहुत सुंदर लगता है। मैं उम्मीद करती हूं आप सब ने श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन जरूर ही किए होंगे। अगर हाँ तो आप बहुत किस्मत वाले हो, और अगर नहीं तो कहूंगी आप बहुत बड़ा आनंद मिस कर रहे हो। जल्दी से जल्दी वृंदावन जाओ और श्री राधा रमन लाल जी के साक्षात प्रकट रूप में दर्शन पाओ। श्री राधा रमन लाल जी का शिव विग्रह स्वयं प्रकट हुआ था 12 शालग्राम जी में से। अगर आपने अभी तक श्री राधा रमन लाल जी के प्राकट्य की कथा नहीं सुनी तो मुझे अभी कमेंट करना, बहुत जल्दी वो भी बताऊंगी। अब आपको एक भक्त के समर्पण के भाव की सत्य घटना बताती हूं। इस अनुभव से बस इतना सीखना, संपूर्ण समर्पण कैसे करें और भाव को उच्च कैसे बनाएं। बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग है, प्रेम से मन से भाव से सुनना, दिमाग को जरा साइड रख के सुनना, मन से सुनना। एक जयकारे के साथ शुरू करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्रीधाम वृंदावन में एक बुढ़िया अम्मा रहती थी। कौन थी, कहां से आई थी, कब से वृंदावन में रह रही थी, कोई कुछ भी नहीं जानता था। वो जो बुढ़िया अम्मा थी, वृंदावन जहां से शुरू होता है ना, जो बॉर्डर लाइन है, वहीं पे रहती थी। वहां पे उनकी थोड़ी सी जमीन थी और उसी में उन अम्मा ने झोपड़ी बना रखी थी। वही जमीन पे फूल फल कुछ पेड़ पौधे से लगा रखे थे, जिन्हें बेचकर वो अम्मा अपना जीवन यापन करती थी। उन अम्मा की अनन्य भक्ति श्री राधा रमन लाल जी में थी। उन अम्मा का वात्सल्य प्रेम इतना था जैसे एक माँ को होता है ना। जब वो अपने छोटे बच्चे को देखती है तो कैसे ममता ऐसे उमड़ उमड़ के आती है, छाती भरी भरी सी लगती है, ऐसा ही उन अम्मा को लगता था। और इतना प्रेम वो राधा रमन लाल जी को करती थी कि कहा ही नहीं जा सकता था। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब वो अम्मा दर्शनों को नहीं जाती थी। उन अम्मा का एक बहुत सुंदर नियम था। अम्मा हर रोज अपने घर के बाहर लगे ताजे और सुंदर फूलों को चुन चुन कर तोड़ती थी और अपने हाथों से बढ़िया फूलों की माला को तैयार करके राधा रमन लाल जी के लिए लेके जाती थी। माला में हर एक फूल इतना सुंदर और खिला होता था कि दूर से ही वो माला सजती थी। उन अम्मा के आंगन में एक आम का पेड़ भी था, तो गर्मियों में माई क्या करती थी कि रोज नियम से उन कच्चे आमों को लेती थी और उनकी खट्टी मीठी चटनी बना के राधा रमन लाल जी के लिए लेके जाती थी और जाकर कहती थी कि ये लो लाला, ये ले लो, आज तो तुमने खूब भोजन पाया होगा, तो ये मैं तुम्हारे लिए खट्टी मीठी चटनी बना के लाई हूं ताकि जो तुमने भारी खाना खाया उसको तुम हजम कर सको। मतलब उन अम्मा का ये भाव था
कि भक्त देखो उनके लिए 56 भोग लगवाते, तरह तरह के उनको भोग लगाते हैं, तो इससे ना लाला को शरीर में भारी भारी सा लगता होगा, भारी खाना खा के, है ना, जिससे लाला को खाना हजम करने में थोड़ी दिक्कत भी लगती होगी, क्योंकि वो छोटे हैं, नन्हे बालक हैं, और भक्त तो अपने प्रेम में उनको खूब खूब भर भर के लड्डू पेड़ा और क्या खिलाते रहते हैं। तो यही सोचती थी माई कि भाई उनके लिए मैं चटनी लेके जाती हूँ, ताकि उनका खाना जल्दी से अच्छे से हजम हो सके। जैसे एक माँ होती है ना अपने बच्चे के लिए डीप सोचती है, ऐसे ही उन अम्मा का भाव राधा रमन लाल जी के लिए था। गर्मियों में तो उन अम्मा का बस रोज का नियम था कि हर रोज अपने हाथों से बनी माला और चटनी राधा रमन लाल जी के लिए लेके जाती ही जाती थी। भरी गर्मी होती थी, लू चल रही होती थी, पर वो माई तो पैदल ही पैदल धीरे 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 अपने राधा रमन लाल जी के पास जरूर ही पहुंचती थी। रोज की रोज ऑटो के लिए तो उनके पास नहीं होता था, है ना, बट क्योंकि वो माई अपना गुजारा भी ऐसे तैसे ही चला रही थी। अब उम्र के साथ उन बूढ़ी अम्मा की जो नजर और याददाश्त थी वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, भाई उम्र का तकादा ही होता है। पर वो अम्मा क्या होता था उनके साथ कि वो अपना चश्मा इधर उधर रख के भूल जाती थी, फिर घंटों चश्मे को खोजती रहती थी, मिलता अगर नहीं मिलता तो भाई क्या करें, माला का नियम तो उन्हें पूरा करना है, तो ऐसे ही सुई से माला को पिरोती रहती। अब कितनी बार उनके हाथों में माला को पिरोते पिरोते सुई चुप जाती थी, पर वो अम्मा माला बनाते हुए अपने लाला को याद करते हुए इतने भाव में होती थी कि उन्हें कभी दर्द का एहसास भी नहीं होता था। वो अम्मा रोज सुबह बहुत जल्दी उठती ताकि राधा रमन लाल जी के लिए जल्दी से ताजे फूलों की माला ले जा सके। रोज अम्मा माला और चटनी बनाकर बड़े प्रेम से लेके जाती, मंदिर जाके गोसाई जी को कहती, गोसाई जी ये माला मेरे प्यारे को धारण करवा दो, और देखो साथ में ये खट्टी मीठी चटनी का भोग भी लगा दो। और ये काम वो कितने ही सालों से कर रही थी कुछ नहीं पता, गोसाई जी उन्हें पहचानते थे, वो कहते माई अपने हाथों को देख सुई से कितने छेद हो गए, पर वो अम्मा कहती नाना कुछ ना हुआ। उन अम्मा का प्रेम राधा रमन लाल जी में अनन्य था, जिसमें अपने लिए कोई चाह नहीं थी, बस उन्हें तो दिन रात अपने लाला का ख्याल रहता था। जब जब कोई भक्त भगवान से इतना प्रेम करे तो भगवान भी उन्हें बहुत ही चाहने लगते हैं, है ना। गोसाई जी महाराज अपने अनुभव से बताते हैं कि श्री राधा रमन लाल जी का श्रृंगार करते हुए उन्होंने कितनी ही बार ये महसूस किया कि लाला किसी और भक्त की बड़ी माला धारण ही नहीं करते थे, क्योंकि गले में दो, क्योंकि अगर आपने शिव विग्रह देखा ना, बहुत छोटा सा विग्रह है, और गले में दो बड़ी माला तो आएगी नहीं। जब भी गोसाई जी कोई और बड़ी माला, भाई अब गोसाई जी देखते ना भाई किसी और भक्त ने दी है तो मैं वो माला धारण करा दूं, पर वो राधा रमन लाल जी को धारण करवा ही नहीं माते थे, वो माला अपने आप ही टूट कर गिर जाती थी। श्री राधा रमन लाल जी खुद, ऐसा अनुभव होता था कि वो खुद अम्मा की लाई माला का इंतजार करते हैं। जब भी श्री राधा रमन लाल जी को चटनी का भोग लगाया जाता था तो उसके बाद लाला को मुस्कुराते हुए खुद गोसाई जी ने फील किया है, अनुभव किया है। जब किसी भक्त का प्रेम भगवान पर इतना अनन्य हो तो उसका अनुभव पता है सबको होता है, वो कहते ना एक फूल अपनी महक सब जगह पहुंचाता है, तो ऐसे ही अगर किसी भक्त के ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है ना तो उस कृपा को बाकी सब जो और लोग होते हैं ना वो भी महसूस कर पाते हैं। अच्छा, कई बार हमारे ठाकुर जी कुछ नित लीला भी करते हैं, या कई बार विधि का विधान सामने आता है। एक बार कुछ ऐसा ही हमारी बुढ़िया अम्मा के साथ भी हुआ। एक समय वो बुढ़िया अम्मा बहुत उन बुढ़िया अम्मा को बहुत ही तेज बुखार हो गया, शायद उनको लू लग गई थी। उन अम्मा का घर वृंदावन की सीमा पर था और रोज मंदिर पैदल जाना, ऊपर से उम्र का तकाजा था ही, देखो उम्र तो हो ही रही थी और मौसम अपने रंग भी दिखाता है। अब बुखार इतनी तेज कि माई उठ भी नहीं पा रही थी, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। अब वो अम्मा कुटिया में कुछ बेसुध हालत में पड़ी हुई थी, तेज बुखार की वजह से वो मंदिर भी नहीं जा सक रही थी। उन अम्मा ने कोशिश बहुत की कि भाई मैं उठ जाऊं, मुझे लाला के पास जाना है, पर वो नहीं जा पाई। और वहां मंदिर में श्री राधा रमन लाल जी अपने भक्त का इंतजार कर रहे थे।
गोसाई जी ने भी देखा आज वो अम्मा तो आई नहीं है, जाने क्या बात हुई है। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, वो अम्मा नहीं आई। अब गोसाई जी कुछ चिंता भी कर रहे थे। उन्होंने सबको पूछा कि भाई वो जो अम्मा रोज आती है कोई उनको जानता है क्या? पर सबको ये तो पता था कि वो अम्मा आती है, बट कहां से आती है, कौन थी, वो तो किसी को भी नहीं पता था। उधर हमारी अम्मा कुटिया में पड़ी पड़ी बस अपने लाला को याद कर रही थी। याद करते करते रो रही थी। अम्मा अपने लाला को देखने के लिए बहुत व्याकुल थी। उन्हें लग रहा था कैसे भी वो बस अपने लाला के पास पहुंच जाए। दो दिन तो ऐसे तैसे बीते। राधा रमन लाल जी परेशान है, गोसाई जी परेशान है और हमारी अम्मा भी परेशान है। तीसरे दिन भी वो अम्मा मंदिर नहीं आई। अब श्री राधा रमन लाल जी से रुका नहीं गया, वो अम्मा की कुटिया में पहुंच गए। वहां पे अम्मा को बेसुध हालत में पड़े देखा, शरीर तप रहा था। श्री राधा रमन लाल जी ने आकर उन अम्मा के सर पर प्रेम से हाथ फेरा। वो अम्मा हड़बड़ाकर उठ बैठी, अपने लाला को अपने सामने देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। ऐसा होता है ना, कोई हमारा दुख दर्द बांटने के लिए हमारे सामने आ जाए तो मन का हालात ही अलग होता है। और अम्मा जोर से उनको बोल रही है, तू आ गया लाला, मैं तेरा ही तो इंतजार कर रही थी। देख लाला, मुझे कितना बुखार हो रहा है, शरीर तो भट्टी जैसा तप रहा है। लाला, तू इतनी देर से क्यों आया? मैं तो तुझे दिन रात याद कर रही थी, क्या तुझे कभी मेरी याद नहीं आती? अम्मा रोए जा रही थी, बोले जा रही थी, रोए जा रही थी। और वहां पे राधा रमन लाल जी शांत खड़े हुए, उनके लाला उनके पास ऐसे बैठे जैसे कोई 6-7 साल का बालक गोद में आके बैठता है। लाला बार बार उनके आंसू पूछे जा रहे थे, पर आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो प्रेम के आंसू थे ना, शिकायत या गुस्से के नहीं, है ना। जब हम किसी पे अपना अधिकार करते हैं ना, किसी को प्रेम करते हैं, तो उसी के ऊपर हमारा इतना अधिकार होता है, उसी से हम शिकायत करते, तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी। और आंसू तो हमारा वो भाव है जो सुख और दुख, आनंद, प्रेम हर समय हर भावना के साथ हमारे साथ होते हैं, है ना। अब वो अम्मा अभी भी रोए जा रही थी और उनके लाला प्रेम से बोले, अम्मा जितना तूने मुझे याद किया उतना ही मैंने भी तो तुझे मिलने को, मैं बहुत व्याकुल था। पर अम्मा, ये प्रबंध का खेल है, कर्मों का खेल है, इसे तो तुझे भोगना ही था। जो तू अब ना भोगती तो फिर तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ता, पर अब तेरे संकट की घड़ी खत्म हो गई है, अब तू हमेशा के लिए मेरी हो गई है। और ये कहते हुए श्री राधा रमन लाल जी ने उन अम्मा के सर पर प्रेम से हाथ फेरा और उन अम्मा का सारा बुखार ठीक हो गया। शरीर में जो दर्द हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। अम्मा अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही थी, बिल्कुल भली चंगी। वो अम्मा बोली, लाला मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, देख तूने मुझे हाथ लगाया और मेरे शरीर का सब दर्द चला गया, बुखार बीमारी सभी ठीक हो गई। राधा रमन लाल जी ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, अम्मा मुझे तेरी चटनी बहुत याद आती है, देख 3 दिन से मैंने कोई माला भी नहीं पहनी है। आज दिल्ली के सेठ ने फूल बंगला और 56 भोग लगाया था, तेरी माला बिना मुझे कुछ नहीं सुहाता, पर उस सेठ की खातिर सेवा तो मैंने स्वीकार कर ली, पर मुझे आनंद नहीं आया, खाना खाकर पेट में भी ऐठन हो रही है, अब तू जल्दी से मेरे लिए बढ़िया सी चटनी बना दे। राधा रमन लाल जी की बात सुनकर वो अम्मा तो बिल्कुल एकदम ऐसे खड़ी हो गई, और जैसे वो खड़ी हुई तो उन्होंने देखा आसपास कुछ भी नहीं है, वो एकदम हैरान, ये क्या, मैं क्या भी सपना देख रही थी, मेरे लाला कहाँ गए, मेरे लाला कहाँ गए, अरे अभी तो मेरे पास यहाँ बैठे थे और एकदम ही कहाँ चले गए। अब पहले तो बड़ा उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बेहोशी में थी, वो नींद में थी, क्या हुआ, क्या उन्हें एहसास हुआ कि वो शायद कोई सपना देख रही थी। पर एक होता ना, जब आपने किसी का टच फील किया हो, आपने किसी को अपने पास महसूस किया हो, तो वो सपना कैसे हो सकता है। अब माई ने अपने सर पर हाथ लगा के देखा तो ताप बिल्कुल भी नहीं था, शरीर से भी वो बड़ा स्वस्थ महसूस कर रही थी। अब तो वो पहले जैसे से भी ज्यादा चुस्त तंदुरुस्त फील कर रही थी। अब माई को कुछ आश्चर्य भी था, उनको था कि भाई
शायद सपना देखा, शायद लाला आए, बट उनको यकीन था कि भाई जो भी है ये सपना नहीं था, ये मेरी कल्पना नहीं थी, मेरे लाला वाकई मुझसे मिलने के लिए आए थे। अब वो जल्दी से उठी, नहाई, जल्दी जल्दी सुंदर फूल चुने, माला तो वो आम तोड़कर लेकर आई और उन्होंने बढ़िया माला और चटनी तैयार की। शाम का अंधेरा पाव पसार रहा था, मंदिर के पट ना हो जाए यही सोचकर माई जल्दी जल्दी तेज कदमों से मंदिर पहुंची। सारे रास्ते बस कहती जा रही थी, मैं आ रही हूं लाला, मैं आ रही हूं, मैं जल्दी से आ रही हूं लाला, बस मैं आ रही हूं। लाला को भोग लगने ही वाला था, अभी भोग के लिए पट नहीं हुए थे। जब वो अम्मा मंदिर पहुंची तो उन्होंने जोर से हाजिरी लगाई, देख लाला मैं आ गई, लाला मैं आ गई। आंखों से आंसू थे जो रुक नहीं रहे थे। अम्मा को देखकर, उनकी बात सुन के, उनके भाव देखकर वहां बैठे और भक्त भी अपने आप रोने लगे। उन अम्मा ने माला और चटनी गोसाई जी को दी, गोसाई जी ने लाला को माला धारण करवाई। सच्ची लग रहा था लाला बहुत खुश है, ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर में रोशनी बढ़ गई हो, और ये बात वहां बैठे सभी लोगों ने महसूस किया। भोग के लिए पट हो गए। जो अम्मा थी अभी भी बैठी हुई रो रही थी। जब पट खुले तो अम्मा ने लाला को पूछा, लाला चटनी कैसी लगी, अब पेट में ऐठन तो नहीं हो रही है? अब गोसाई जी प्रसाद लेकर उन अम्मा के पास आए और उनका हाल चाल पूछने लगे, और पूछने लगे अम्मा 3 दिन तक कहां रही, मंदिर क्यों नहीं आई? तो अम्मा ने ये बात सुनी और कहा, बोली आज ही बुखार उतरा है, 3 दिन से तो भारी ताप था। अब ये सुनकर गोसाई जी बोले कि जब आज ही बुखार उतरा है तो आज ही क्यों आ गई, आज और आराम करके कल आ जाती। तो जो अम्मा थी वो गोसाई जी को बोली, लाला को चटनी देना जरूरी था, 56 भोग खा के लाला के पेट में ऐठन हो रही थी। अब गोसाई जी ने पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता आज मंदिर में 56 भोग था? वो अम्मा बोली, गोसाई जी लाला ये कह रहा था, जो आज दिल्ली के सेठ ने 56 भोग लगवाया था ना, वो खाकर लाला के पेट में ऐठन हो रही थी। लाला दोपहर में मेरे घर आया था, कह रहा था उसे चटनी चाहिए, सो बस जल्दी से वही बनाकर लाई हूं। अब ये सुनकर गोसाई जी और वहां जो और भी लोग बैठे थे, सभी भक्त इतना भाव विभोर हो रहे थे और जोर जोर से श्री राधा रमन लाल जी के जयकारे लगा रहे थे। माई अपने लाला को देखकर और लाला अपनी अम्मा को देखकर, है ना, दोनों ही बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अम्मा अभी भी प्रेम के आंसुओं से नहा रही थी, अपने लाला को दिल से धन्यवाद दे रही थी। और ऐसे ही हमारे राधा रमन लाल जी हैं। आप मंदिर जाओगे तो वहां पे ऐसा महसूस होता है कि बस वहां पे हमारे लाला खड़े और हम हैं और कोई भी नहीं है, मतलब बहुत आनंदमय समा होता है। एक जयकारा, बोलो राधा रमन लाल की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। बैकुंठ में भी ना मिले जो, बैकुंठ में भी ना मिले जो, वो सुख कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है। कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे, समाधान तो बस श्री राधे तेरे नाम में है। बोला राधा रमन लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो कई लोगों को ये लगेगा कि ये सत्य घटना हो ही नहीं सकती है, है ना, वो उन अम्मा का भ्रम भी हो सकता है, बट विश्वास रखो अगर ये भ्रम होता, है ना, वैसे प्रेम की बात तो लॉजिक से समझाई नहीं जा सकती है, प्रेम की बात दिल ही समझ सकता है। और मैं भी क्या ही कहूँ, तो मैं आपको बस इतना कहूंगी, किस किस का मन करता है कि वो अम्मा की कल्पना नहीं थी, साक्षात राधा रमन लाल जी उनके पास आए थे, है ना। मैं तो कितनी बार सोचती हूँ कैसे उनको पता चला होगा कि भाई वहां दिल्ली के सेठ का 56 भोग लगा हुआ है, और अम्मा का भाव देखो कि मतलब जल्दी से नहा के और फट पहुंच रही है मंदिर, पैदल पैदल, मतलब अगर गाड़ी से भी जाए तो कितना ही समय लगता है, और वो अम्मा रोज पैदल जाती थी, वृंदावन की परिक्रमा तो उनकी ऐसी हो जाती थी। अगर भक्त के प्रेम और समर्पण की इस सुंदर सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ हो, थोड़ी सी थिरकन हुई हो, आंखें कुछ नम हुई हो, शरीर में कुछ कंपन हुआ हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।